हेलो गाइस, वेलकम टू सैम गेमिंग टेटो स्क्रिम्स। मैच नंबर 5 हमारा रेंगल का हमारा मैप प्लेन पार्टी यस नया पोलियाना 2 मिलिट्री बेस। टीम्स की बात करो तो टीम H4 के वानम रो मेजर CHB डो पॉइंट और रेडिकल डारो रेज ईरा ओजेड साइबर बॉब आरर एंड फोनिक्स। 14 टीम्स 52 प्लेयर्स यानी कि 2 टीम्स ने गेम आज का हमारा मिस किया है, जिसमें टीम ट्रिनिटी एंड टीम को टीम हमारी कौन सी थी, ध्यान नहीं आ रहा। फिलहाल H4 का ड्रॉप ले चुकी है लिपोपगा के अंदर, उनका जो मैन इस टाइम ड्रॉप लोकेशन उनका सेट है। CHB की बात करो तो वो जोर जो सिटी बिग सिटी ही जाती है वहीं पे जाएगी, बट रेडिकल डारर प्रिजन और सेल्टर का एरिया लूट करते नजर आएंगे रेडिकल डारर के प्लेयर्स। एंड CHB 2.0 जो लूटेगी मेंशन का एरिया, जी हाँ मेंशन का एरिया CHB 2.0 लिपोप का लूट करेगी रेडिकल, सॉरी H4 के रेडिकल लूट करेगी यस ना सॉरी सेल्टर एंड प्रिजन। बाकी मिल्टा की बात करो तो टीम रो मिल्टा जाती नजर आ रही है और वैनम लूट करेगी अपना फार्म का एरिया। टीम वो जेड पोचिंग की के अंदर आ चुकी है वो भी कैरी करती हुई। CHB अपना फोनिक्स के प्लेयर्स अपार्टमेंट एंड स्कूल व्हीकल लेके निकले हैं, आई डोंट नो कहाँ जाना चाहेंगे। बोला रेज की बात करो तो रोजोक मेजर के प्लेयर्स मिलिट्री लूट करेंगे उनके ही पास में छोटे छोटे कंपाउंड्स। टीम आरआर के प्लेयर्स लूट करेंगे ऑन द अदर साइड टीम एरा वर्सेस टीम साइबर। फिर से ड्रॉप क्लैश, इस बार 3v4 फाइट है टीम एरा के लिए। मजिशिया स्टारबो राजपूत 3 प्लेयर्स, साइबर के प्लेयर्स 4 प्लेयर्स शिवांग भुरी AP एंड रून। रन यहाँ पे अभी के लिए कैरी करे पैरासूट के अंदर बो फेरिपिया लूट करेगी और जोन बन चुका है बिग सिटी का एरिया आज। मुझे लगता है CHB का ड्रॉप लोकेशन पे जोन जाने वाला है फेवर करने वाला है, यानी बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है उनका जोन बना है कस्टम स्क्रीम्स में, बट यहाँ तो आज तो मुझे लगता है उनकी साइड जाने वाला है जोन। लेकिन टीम ईरा की फाइट होती है, मैजिशियन पैरानोक रन को निकाल दिया है विद आपीपी वाइजन एंड इंस्टेंटली शॉटगन से फिनिश ओ भी करते हुए मैजिशिया उसको और अपनी पीपी वाइजन रिलोड कितनी देर में करेंगे। रिलोडिंग के लिए गन एमओ है भी या नहीं वो देखना होगा। स्टार बॉय के पास पिस्टल है अभी के लिए, राजपूत YT भी लूट कर देना चाहेंगे विदाउट गन है, लेकिन ईरा के मैजिशिया यहाँ पे एक नोक निकाल के टीम साइबर को थोड़ा सा तो यहाँ पे खौफनाक कर दिया है। दैट्स वाई टीम साइबर के प्लेयर्स की लोकेशन देखिए आप, साइबर AP एक जगह होल्ड करके बैठे हैं M16 लेकर, बुरी की बात करो तो मिनी लेकर बैठे मिनी एंड शॉट गन एंड शिवांग के पास भी शॉट गन एंड स्कॉर्पियन। लैक ऑफ लूट यहाँ पे देखने को मिलेगी यहाँ टीम साइबर के पास लूट फाइट के अंदर, वरना नंबर एडवांटेज काफ़ी अच्छा 3v4 का था उनके पास, बट गन फाइट यहाँ पे उसी की होती है, नंबर एडवांटेज से नहीं होती गन फाइट यहाँ, गन फाइट गन मिलने से होती है क्योंकि मैजिशिया को मिल चुकी थी। फिलहाल अभी पहला किल उन्होंने ले लिया है टीम ईरा के प्लेयर ने। लेट्स सी यहाँ पे मैजिशिया और स्टार बॉय थोड़ा आगे भी सिटी की जानी पे, बट बुरी पीछे लूट करते नजर आ रहे हैं जिनको मिल चुकी है बैरल एंड मिनी चलाते नजर आएंगे। शिवांग अभी 20 स्कॉर्पियन पे शामिल है, M16 है साइबर AP के पास। बाकी तो हमारी कोई ड्रॉप फाइट है नहीं, एक ही ड्रॉप फाइट आज बनी है। लेट्स सी यहाँ पे ये ड्रॉप फाइट भी किसके नाम जाती है, साइबर शिवांग बुरी AP स्टार बॉय मजिशिया और राजपूत। अभी के लिए तो लूट कर रहे हैं, फिलहाल स्टार बॉय काफी आगे जा चुके हैं मैं बोलूं उनकी पोजीशन से, तो लूट कर रहे हैं वो बेखबर भी हो सकते हैं उनके साइड। दूसरे ही तरफ साइबर AP यहाँ उनको सपोर्ट कर चुके हैं विदाउट स्कारल या नोक डाल सकते हैं वो, शायद से नोक हो सकते हैं स्टार बॉय। लेट्स सी पूरा DPP पे लेके बैठे हुए स्टार बॉय भी, लेकिन एक KM से सपोर्ट कर चुके हैं स्टार बॉय प्लेयर्स को, दैट्स वाई यहाँ पे शायद से नीचे जंप नहीं करना चाहेंगे। यहाँ बुरी लूट कर रहे हैं AP अभी के लिए प्रो होल्ड करेंगे, शिवांग पीछे की और अभी भी यहाँ से उन्होंने अब मिली उन्हें M16, बाकी उनके पास अभी तक एक प्रॉपर गन नहीं थी, शॉटगन एंड स्कॉर्पियन थी। फिलहाल बुरी काफ़ी अलग है स्टार, वो एक अलग ही लेवल की लूट यहाँ पर निकलती हुई चलती हुई। फिलहाल मेरे हिसाब से AP उनको BT दे सकते हैं, जी हाँ अभी देखने को होगा। AP अपना पूरे पोजिशन ले चुके हैं सामने ही स्पोर्ट कर सकते थे, या थोड़ा लेट देगा शायद से, वहाँ पे स्टार बॉय की पोजीशन रिवील थी सामने से पूरा। लेट्स सी 3v3 फाइट टीम इरा या टीम साइबर।
यहाँ साइबर भूरी के पास है M416 विथ 3X, अभी के लिए होल्ड करेंगे। 14 51 मिलियन बचे हुए हैं, टू पॉइंट अपना ड्रॉप लूट करेगी। स्टार बॉय स्पॉटेड है साइबर भूरी को एंड मार्क कर दिया गया है, यानी कि एपी की ओर से भी यहाँ स्प्रे आ सकता है। फिलहाल स्टार बॉय अपना एक कवर पकड़ना चाहते हैं, पूरा ओपन से दौड़ रहे हैं स्टार बॉय, दैट्स व्हाई पीछे से पनिश ढूंढेंगे यहाँ पे साइबर। एपी की ओर से राजपूत वाइटी पूरा ओपन में यहाँ पे M4v3x के साथ बीडी सिचुएशन दो प्लेयर्स के लिए आ सकती है मेरे हिसाब से। स्टार बॉय गेट नॉक डाउन, अभी के लिए राजपूत वाइटी बचे हुए हैं, बट कितनी देर तक वो देखना होगा। स्मोक करके बचाने का ट्राई था अपने प्लेयर को, साइबर बुरी को बचा, साइबर बुरी यहाँ किल कन्फर्मेशन लेंगे, बचा नहीं पाएंगे, लेकिन साइबर एपी का डिस्प्ले आएगा। टीचर राजपूत वाइटी अभी के लिए होल्ड करेगा एक छोटे स्टेज पूरे ओपन लिशे के अंदर। मैजिशिया का यहाँ से फ्लैंक जाता हुआ जो बुरी को भी डी दे सकता था शिवांग फाइट के अंदर आते हुए। बुरी थोड़ा सा यहाँ से होल्ड करके रुके हुए हैं, पूरा होल्ड करे हुए हैं एंड मैजिशिया मैजिशिया के सामने स्पॉटेड है यहाँ साइबर बुरी, बट यहाँ स्पॉटेड तो थे लेकिन इंस्टेंटली उन्होंने पोजीशन यहाँ पे चेंज कर दी, दैट्स व्हाई यहाँ बचे अभी के लिए ब्रोकन पे बचे हैं। पीछे से ना पड़ जाए, दैट्स वाई साइबर का बुरी यहाँ पे स्पोर्ट लेने का कंटिन्यू पीछे से ट्राई कर रहा है टीम ईरा के लिए। आगे जाना चाहता है साइबर बुरी, टीजे राजपूत बाईटी स्पोर्ट कर लेगा बुरी को, डैमेज पड़ेगा, टीजे राजपूत बाईटी गेट नॉक डाउन। मैजिशिया इज द लास्ट मैन सर्वाइवल फॉर टीम ईरा। चाहिए फाइट तो साइबर की ओर ही आती हुई, पहला किल नॉक फिनिश हुआ था यहाँ पर टीम साइबर का, बट उसके बाद जो बैक टू बैक वहां पे दो नोक और यहाँ ऑलमोस्ट दूसरा फिनिश ऑफ। हाँ, साइबर के प्लेयर चार्जिंग करते हुए शिवांग आ चुके हैं नीचे की ओर, पीछे से स्पॉट हो जाएंगे मैजिशिया भी यहाँ से। चार फर्स्ट एड उनके पास है, फर्स्ट एड को भी कर चुके हैं, क्या ये फर्स्ट एड लग पाएगी? उससे पहले आएगा उनकी ओर ग्रेनेड, आई थिंक सो ये फर्स्ट एड लग जाएगी, बट यहाँ क्लोज इन होगा टीम साइबर के प्लेयर्स का, दैट्स व्हाई यहाँ बैरल है उनके पास, पीछे से पड़ेगी मैजिशिया को। टीम इरा गेट एलिमिनेटेड, फर्स्ट टीम आज की जो टीम इरा फर्स्ट टीम जो एलिमिनेट हुई है, और एक किल यहाँ से साइबर का भी गया, यानी कि इन दो फाइट्सों में ही चार किल्स निकले हैं। 13 teams 48 प्लेयर्स बचे हुए हैं। एयर ड्रॉप नंबर फर्स्ट जो फ्लेयर ड्रॉप मंगाती है वाटर ट्रीटमेंट के अंदर टीम रेज, ओम एंड मशीन का लेवल 3 हेलमेट एंड वेस्ट आएगा इस ओम के अंदर, इस एयर ड्रॉप के अंदर। दूसरा फ्लेयर ड्रॉप जो नॉर्मल ड्रॉप पोजिंग के पास गिरेगा, शायद से ओजेड लूट करेगी इस मशीन का लेवल 3 हेलमेट वेस्ट बैकपैक को, और एक एटेक्स एंड एक गिली सूट भी आएगा। लेकिन ओजेड का रोटेशन स्कूल की ओर चला गया तो शायद से वैनम या बोप में से एक लूट करती नजर आई, बट फायर बियर के एरिया में टीम आरआर यहाँ पर ढूंढ रोटेट करती नजर आ रही है। टीम आरआर की फाइट टीम बोप के बाद साथ हो सकती थी, क्योंकि बोप वही एरिया लूट कर रही थी। बट रोटेशन रोटेशन की बात है, यहाँ टीम आरआर ने मिलिट्री बेस के कंपाउंड से रोटेशन लिया है, तो फायर बियर की ओर से लॉन्ग रोटेशन लिया है, और टीम बोब ने जो फायर पियर से सीधा अपने एक ब्रिज के पास वाले कंपाउंड्स, अपर हिल वाले थोड़े कंपाउंड्स पकड़े हैं। बात करो टीम एजेस की, तो व्हीकल लेके वो भी निकल चुके हैं मेजर हमाद, एजम एंड जैद, यहाँ तीनों ही प्लेयर्स व्हीकल से रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो करेंगे ब्रिज क्रॉस, क्या ब्रिज कैम्प करने वाली है? बिल्कुल यहाँ आई थिंक सो ब्रिज कैम्प के लिए टीम आर आई है, आई तो थी वह शायद से वहाँ प्लेयर स्पोर्ट कर लिए, दैट्स वाई यहाँ आरआर के प्लेयर्स अपर ही आना चाहते हैं। टीम आरआर वर्सेस बोब नजर आएगा हमें चंद ही लम्हों में, अगर एरर ने अपना पाथ चेंज नहीं किया तो। मिस ब्लैक यहाँ पर चलाती हुई नजर आ रही है एक यूएस, जहाँ रुके टीम आरआर के प्लेयर्स, जिस फाइट की मैं बात कर रहा था वो फाइट अब यहाँ पर होगी कंटिन्यू। मिस ब्लैक, फबिया एंड लिटोपी 3v4 5 टीम बोब के साथ क्लोज आएंगे। फबिया फबिया गेट नॉक डाउन, वो मर्सी करेंगे नॉक, बट मिस ब्लैक इंस्टेंटली कवर देते हुए अपने प्लेयर को, वो मर्सी को नॉक करेंगी। डी एस आर के DP28 के साथ नॉक निकालेगा ट्राई, बट एरल लिटो भी उनको भी डी दे सकते थे, लेकिन बॉब डी एस आर के इंस्टेंटली अपनी पोजीशन चेंज करते हुए मोलोडोल करते हुए एक और नेट गुक कर चुके हैं, यानी कि ये नेट एक अच्छा नेट भी हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, एक काफ़ी अच्छा ग्रेनेड गिराए हैं और ओपी ग्रेनेड बाय टीम बॉब डी एस आर के। लिटोपी एंड फबिया दोनों को लेके जाएगा, फबिया को फिनिश ऑफ करेगा, लिटोपी को नॉक करेगा। एक और ग्रेनेड आता हुआ मिस ब्लैक की ओर, और यहाँ ये नेट भी बीडी देता हुआ फिलहाल मिस ब्लैक कजामा को करेंगे नॉक, और एक और ग्रेनेड यहाँ पे गिरता हुआ बॉब डी एस आर के की ओर से DP28 के साथ आगे क्लोजिंग करते हुए। अभी के लिए तो कवर फायर ही बोलूंगा मैं, कजामा को ये कवर फायर दिया जा रहा था, चार्जिंग करते नजर आएंगे यहाँ से बॉब मर्सी।
यहाँ एक एम के साथ आ चुके हैं, वो फर्कस क्लोज आ चुके हैं। एक प्लेयर जो नॉक पड़ा हुआ था उसको रिवाइव तो नहीं दे पाया अभी तक। कल लोड पर करी फर्कस ने डर, किल कन्फर्मेशन हो गया मिस ब्लैक 1v1 अभी के लिए तो काफ़ी, यहाँ 1v1 है, 2v1 है अभी के लिए। इन वो मर्सी को भी मिस ब्लैक करेंगे नॉक, एक मिस ब्लैक व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ट्राई था उनका, बट यहाँ से टीम वो उठाएगी अपनी फर्स्ट 3 किल्स। टीम आर रेड एलिमिनेटेड बाय हैशटैग 13 12 इन 45 प्लेस इज स्टिल अलाइव। एयर ड्रॉप नंबर 3 हमारा फ्लेड ऑफ टीम एच 4K ने मंगाया। AWM ओग लेवल 3 हेलमेट वेस्ट और एक मैट किट, एक यार एक्सटेंड भी आएगा एच 4K के पास। कैंपोंग से सीधा रोटेट किया उन्होंने इस नया के कंपाउंड्स में। बॉब इसी फाइट के चलते, सॉरी मेजर इसी फाइट के चलते बॉब और एरर की जो फाइट थी, मेजर उसी के साथ ब्रिज क्रॉस कर रही है। जी हाँ, ब्रिज क्रॉस कर चुकी है मेजर की टीम। मेजर हम मार निकल चुके हैं, एजम एंड जैद भी उसी के साथ आ जाएंगे। फिलहाल एक और एयर ड्रॉप देखने को मिल रहा है हमें, फ्लेयर ड्रॉप नंबर 2 यहाँ रेज के खाते में आएगा। फ्लेयर ड्रॉप नंबर 2 टोटल, तो फ्लेयर ड्रॉप नंबर 3 ओम एंड मशीन गन सेम एयर ड्रॉप इसमें आएगा। रेज के प्लेस लूट करने गए हैं लेकिन ओजेड के गोड यानी ओजेड के रोटेशन यहाँ से जा रहा है। ओजेड का रोटेशन तो नहीं मैं बोलूँगा, ओजेड का क्लोज ही नहीं आया होगा जो भी शायद से फ्लेयर ड्रॉप्स को आया, लेकिन वैनम का रोटेशन जा रहा है थोड़ा दूर से। दैट्स व्हाई आपको वीडियो होगा नहीं, बट इस रिज से खेलना चाहती है टीम ओजेड। क्या वैनम मिट्टी देते नजर आएगी, वैनम ये चीज़ करती हुई बहुत ज़्यादा नज़र आती है। जी हाँ, अली फर्ट तो नहीं नहीं है, बहुत ज़्यादा नज़र की भी नहीं कह सकता, लेकिन एक बीटे सिचुएशन में फंस सकती है वैनम टीम ओजेड को, ओजेड खुद भी फंस सकती है जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था। ओजेड के प्लेयर्स रुके हैं बट पीछे से पड़ेगी DP28 की वैनम के प्लेयर्स। वैनम सैजी चला रहे हैं DP with 3x, सैजी 7 के पास है, PPYZN AKM with 6x से वन टैप छोड़ लेते हो वैनम हंटर। वैनम विजन इस कारल के साथ है, यहाँ देखते हैं टीम ओजेड का ध्यान तो अब थोड़ा सा भटकेगा। ओ जेड निकलना चाहेगी क्योंकि सैंडविच होने से बेहतर यहाँ से निकलना है। दैट्स वाई यहाँ ओ जेड के प्लेस करते हुए फॉल बैक जोन हमें देखने को मिलेगा। न्यू जोन हमारा बनने ही वाला है, सेकंड जोन। AW2 आता हुआ, AW5 आता हुआ, लेवल 3 हेलमेट वेस्ट बैक पैक के साथ रोजा। लेट्स सी, सेकंड जोन बन चुका है हमारा। जी हाँ, पोचिंग की से जोन जा चुका है, यानी कि 3 टीम्स हैं सी जो आउट ऑफ द जोन है, टीम साइबर, टीम बॉब, टीम मेजर। आई थिंक सो इन्हें भी ज़्यादा BT होगा नहीं, लेकिन एयर ड्रॉप नंबर 6 जो फ्लेड ऑफ टीम रेडिकल टायर के खाते में आएगा। जोर जो पुल के पास वाले कंपाउंड ओम एंड मशीन का लेवल 3 हेलमेट वेस्ट बैकपैक के साथ एक AR एक्सटेंड भी, यानी कि रेडिकल टायर के लिए भी काफ़ी अच्छा एयर ड्रॉप। फिलहाल बॉब निकलेगी, रोटेट करेगी जोन के अंदर। ऑन अदर साइड टीम मेजर की बात करो तो वो भी यहाँ से जोन निकलना चाहते हैं अभी के लिए, शायद से होल्ड कर रहे थे, वेट कर रहे थे, आई डोंट नो। फिलहाल साइबर के प्लेयर्स भी आ चुके हैं अपना जोन रोटेट करते हुए, पहुँच रहे हैं वो भी जोन के अंदर। एंड टीम वैनम के साथ की बात करो तो काफ़ी आगे वो रिच पा चुके हैं। दैट्स वाई यहाँ पे टीम कॉल आ गया, कंटिन्यू रोटेशन रहेगा उनका जोन के अंदर एक बेस्ट व्यू पकड़ने के लिए। टीम वैनम जा रही है, आई थिंक सो स्क्वाड हाउस पकड़ना चाहेगी वो, या जोर जो वाला स्क्वाड हाउस पकड़ना चाहेगी, वहाँ से खेलते हुए नजर आते हैं पहले भी। आई डोंट नो अब यहाँ पर क्या रेडिकल टायर के साथ फाइट लेगी या यहाँ से स्क्वाड हाउस पकड़ेगी। फिलहाल सैज ही रुके हैं स्प्रे के लिए, दैट्स वाई यहाँ पर होल्ड करेंगे अभी के लिए पैनम के प्लेयर्स। यहाँ जोन तो अभी हमारा क्लोज इन होना काफ़ी टाइम लगेगा, 2 मिनट हैं अभी जोन क्लोज होने में, लेकिन सैजी का यहाँ पे पेडिकल डायर की ओर यहाँ पे स्कोप इन कर रखा था उन्होंने, लेकिन टीम ओजेड का सीधा पुश टीम रेज की ओर है। जी हाँ, सीधा क्लोज इन बोलूंगा मैं टीम ओजेड के लिए, ओजेड का टीम रेज के लिए आता हुआ, रेज के ऊपर आता हुआ। जी हाँ, रेज के हेडमैन वासु XD, साइरस OP एंड रेज बिटू DP28 रेज हिटमैन है यहाँ पे। AWM with 8x यानी कि ओम के फटके इंस्टेंटली यहाँ पे क्विक शॉट देखने को मिला हिटमैन की ओर से, एक शॉट काफ़ी अच्छा शॉट दिया था उन्होंने, पहला शॉट जो दिया था हाफ HP कर दिया अपोनेंट के प्लेयर को, बट यहाँ से हिटमैन इंस्टेंटली शॉट देकर अभी के लिए होल्ड करेंगे। थोड़ा पढ़ सकती है उनको, जहाँ पढ़ी उनको यहाँ जंप शॉट लेने के लिए, लेकिन DP28 रेज बिटू की चलेगी, कॉस्मिक को करेंगे वो नोक। आगे आ रहे हैं गन स्विच कर M4 पे यहाँ पे स्विच करते हुए ग्राम को नोक करेंगे, ओजेड गुड को नोक करेंगे यहाँ से साइरस OP, लास्ट मिलियन सर्वाइवर फ्लेम बॉय टीम रेज सीधा पुश को करते हुए तब्दील यहाँ पर किल्स में। फ्लेम बॉय के ऊपर रेज बिट्टू करेंगे पुश इन, देन टीम ओजेड गेट एलिमिनेटेड टीम रेज के OP बिट्टू, रेज के बिट्टू OP इन द चैट गाइस। यहाँ साइरस OP के एक बिट्टू का 3v3 बहुत अच्छा, 1741 प्लेयर्स स्टिल अलाइव। टीम रेंज ने अपने चारों के बहुत अच्छी तरीके से निकाल दिए हैं। टीम बॉब की बात करो तो हाई रिच एडवांटेज लेने की वजह से वो हाई रिच पे हिल पे चढ़ चुकी है, उन्हीं के सामने है टीम फोनिक्स के प्लेयर्स। 1741 प्लेयर्स स्टिल अलाइव। टीम CHB के 2.0 को आज काफ़ी, सॉरी CHB को काफ़ी टाइम मिला है आज अपना ड्रॉप लूट करने के लिए।
या नॉर्मली क्या होता था उनके ऊपर जोन कट जाता था, दैट्स व्हाई वो जोन में कटने की वजह से ज़्यादा लंबा लूट नहीं लेते थे, इतने बड़े सिटी है। डीपी वर्सेस डीपी, जहर ओपी वर्सेस डीएसआर के, लेकिन इस डीपी में थोड़ा डैमेज तो काफ़ी जहर ओपी ने डीएसआर के को दिया था, बट यहाँ निकला नोक है टीम फोनिक्स का, बट इंस्टेंटली फोनिक्स वाला की डीपी 28 बोलती हुई यहाँ से टीम बॉब के फर्कस गेट नॉक डाउन बाय डीपी 28। डीएसआर के उनको रिवाइव देना चाहेंगे, जहर ओपी इंस्टेंटली रिवाइव हो गए हैं और अपने आप को कर रहे हैं हील, लेकिन कजामा का एक पोजीशन जो है गिनने जाता हुआ है फोनिक्स के ओला का, एक थोड़ा सा और आगे गिनने होता तो यहाँ पे एक बेटी देख सकता था, बट कजामा उनके काफ़ी करीब है, वो भी देख देखना होगा। टीम फोनिक्स के 3 मैन स्क्वाड है, वो भी एक थोड़ा फर्क डाल सकता है फाइट में, या थोड़ा नहीं काफ़ी फर्क डालता है, एक नंबर एडवांटेज बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करता है यह फाइट में। लेकिन एक गिनेट आएगा फोनिक्स के ओला के, ऑलमोस्ट अगर रास्ते में पड़ जाता तो फोनिक्स के ओला का यहाँ पर नोक निकल जाता, बट अभी के लिए 2 व्हीकल्स पीछे लगी हुई है टीम फोनिक्स के प्लेयर्स की, और टीम बॉब लगातार गिननेट से प्रहार करती हुई नोक निकालने का ट्राई पूरा का पूरा चलता हुआ टीम सी एच सॉरी टीम फोनिक्स के ऊपर। या सुहास को काफ़ी लो किया गया है बॉब की ओर से, 4 प्लेयर्स हैं, 3v4 फाइट चलती हुई यहाँ, शायद से टीम फोनिक्स के होला जो है वो थोड़ा पीछे से यहाँ रोटेट करना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक अच्छा सा व्यू, एक यहाँ से नोक निकालने का ट्राई, दैट्स व्हाई पीछे से यहाँ गए हैं थोड़ा फ्लैंक करके, बट कजामा की पोजीशन की बात करो तो होल्ड करके बैठे हुए हैं बिल्कुल, यहाँ चाहते हैं वो टीम नोक दे दें, उसके बाद वहाँ से क्लोज इन करें कजामा। DP28 के साथ यहाँ से ट्राई तो कर रहे हैं पूरा पूरा, स्कारल के साथ फर्कस और DP के साथ DSR के, बट इस बार जो भी टीम का एक नॉक होगा वहां पर दूसरी टीम का क्लोज इन पक्का देखने को मिलेगा हमें। यहाँ थोड़ी सी स्वास की गलतियां नजर आई है हमें, UMP के साथ विदाउट स्कोप इतनी लॉन्ग रेंज में नोक निकालने का ट्राई वो करते हुए, दैट्स वाई यहाँ पे पनिश्ड इंस्टेंटली DSR की ओर से मिलता हुआ, बट फोनिक्स वाला की पोजीशन देखिए रिवाइव देने की, आप बार बार ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं और रिवाइव यहाँ हो रहा है फिलहाल, स्वास्थ्य तो रिवाइव हो गया यानी कि टीम वो भी नहीं चाहेगी क्लोज इन करना, बट जोन हमारा बन चुका है, जोन फेवर करेगा टीम रोके प्लेयर्स को, रोके प्लेयर्स इंस्टेंटली कंपाउंड्स पकड़ के बैठे हुए शूटिंग रेंज का मिडिल ऑफ द जोन, जोन प्रेडिक्शन टीम रोके खाते में जाता हुआ, टीम रेंज वोटर ट्रीटमेंट बैठी हुई है अपना वोटर सॉरी वोटर सिटी में, लेकिन बॉब DSR के जैर ओपी को नोक दे देंगे, इस बार क्लोज इन होगा टीम बॉब का, कजामा आएंगे क्लोज में अपनी थॉमसन के साथ निकालेंगे नोक, सुहास इज द लास्ट मैन सर्वाइवल, UMP के साथ कितनी देर तक कर सकते हैं सामने आप डिफेंड, बट इस चीज़ का डिफेंड नहीं होने देंगे टीम बॉब के प्लेयर, 6 किल टीम बॉब उठाती हुई, 3-3 दो टीम्स को एलिमिनेशन दिलाती हुई, 10 टीम्स 38 प्लेयर्स स्टिल अलाइव, टीम CHB 2.0 भी रोटेट करती हुई जोन के अंदर, 10 टीम्स स्टिल अलाइव, 38 प्लेयर्स इसके अंदर है, टीम बॉब टीम मेजर टीम वैनम टीम रेज टीम रेडगढ़ टीम CHB 2.0 इन सब टीम H4 के टीम साइबर इन सबको जोन जाना है। अब हमारी ओनली 3 टीम्स इन द जोन है, टीम रो है, टीम CHB 2.0 है, टीम रेडिकल टारर है, और जिस 3 टीम्स में मात्र 2 टीम्स ऐसी हैं जो होल्ड कर चुकी हैं अपना जो उन्हें कंपाउंड्स पकड़ने दें, जहाँ टीम रो और टीम CHB 2.0 के 3 प्लेयर्स एक नेक्टिस भी पहुंच चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, रेडिकल टारर अभी यहाँ से रोटेट करती नजर आ रही है हमें और वो रोटेशन उनका चालू है, बाकी बाकी रोटेशन की बात करो तो टीम वैनम एंड टीम रेज का रोटेशन वहाँ पर जा चुका है, लेट्स सी यहाँ पर बॉब का कितनी देर में जाता है। या वो अपनी प्लेस भी निकलना चाहेंगे, लेकिन वैनम जिस साइड से जा रही है रोटेट करती हुई वहाँ टीम CHB का स्प्रे उनको पड़ सकता है, या लॉन्ग रोटेशन टीम वैनम लेती हुई बहुत ही ज्यादा लॉन्ग बिल्कुल एक सेफली रोटेशन वैनम की ओर से देखने को मिला हमें, लेकिन ऑन द अदर साइड टीम साइबर की फाइट होती है टीम CHB 2.0 से, साइबर के AP को इंस्टेंटली नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिया CHB के CHB 2.0 के XD ने। जी हाँ रो की फाइट होगी रेज से, यहाँ इंस्टेंट सीधा सीधा रेज वर्सेस रो होता हुआ, साइबर सिबांग ऑल्सो गेट नॉक डाउन बाय डिवाइन यानी CHB 2.0 फंसेगी, बीबी बाबा ने साइबर सिबांग को फिनिश ऑफ कर दिया है, रेडिकल टारर के प्लेयर्स वहाँ कल स्टिलिंग दिखाते हुए। फिलहाल टीम रेज की बात करो तो यहाँ बिट्टू नोक करेंगे रोबोंड को, हिटमैन नोक पड़े हुए हैं, क्या रिवाइवल पॉसिबल अभी के लिए तो नहीं क्योंकि हिटमैन के साथ साइरस ओपी भी नोक हो चुके हैं। जी हाँ वासु XD बचे हुए 3v3 फाइट आ गई है टीम रो के लिए, एक ही नोक दिला पाए थे बिट्टू बट इंस्टेंटली करके 1v1 करके 3 नोक्स हो चुके हैं टीम रेज के।
चार रोगे प्लेयर्स कंटिन्यू या मोलोटोल के नेट्स तीनों किए हैं, बिल्कुल भी ना देरी करते हुए क्लोजिंग जाते हुए वासु एक्स जी के बाद मशीन गन है। दस यहाँ पर रो एजन आएंगे क्लोज में, इंस्टेंटली प्रोनो कर एक नॉक देंगे वासु एक्स जी, खुद काफी लो है या लगाएंगे अपने आप को फर्स्ट स्टेज, लेट्स सी। अभी के लिए दो नॉक पड़े हुए हैं जहाँ रोबोट को रिवाइव मिल गया था। दस भाई यहाँ वासु एक्स जी के पास है मशीन गन और यहाँ रोल अब स्पॉटेड होंगे, नॉक हो जाएंगे, रोगी आएंगे नॉक हो जाएंगे। बासु एक्स जी का बहुत ही अच्छा क्लास देखने को मिल सकता था, लास्ट प्लेयर बचा हुआ था, ओपी गेम प्ले बाय टीम रेज वासु। यार रोबोट ने लास्ट प्लेयर फिनिश ऑफ कर दिया, चार किल टीम रोक, 9 टीम्स स्टिल लाइव, 31 प्लेयर्स इसके अंदर है। रोटेशन यहाँ पर टीम्स का चालू है, टीम एच फोर के जोन के अंदर एंट्री लेते हुए नजर आ रही है। टीम रोक की बात करो तो चारों ही प्लेयर्स हो चुके हैं रिवाइव, लेकिन एजन यहाँ पर नॉक हुए हैं टीम सी एच बी की ओर से आई थिंक। सो फिलहाल सी एच बी के प्लेयर्स क्लोजिंग करते हुए वेजिटोपी का मोलोडोल जाता हुआ टीम रो की ओर। क्या ये मोलोडोल रो एजन को फिनिश ऑफ करके लेके जाएगा? बट रो एजन यार रिवाइव हो चुके हैं, जैसे नोकी हम बात कर रहे थे वो रिवाइव हो चुके हैं, शायद से बैंडेजेस ओपन करते नजर आ रहे हैं क्योंकि बैंडेजेस उनके पास है। गिनेट आया है यहाँ पर बट इतना ज़्यादा बीटी देगा नहीं वो गिनेट, बट यहाँ से नीचे से स्पॉटेड हो जाएंगे, नीचे से पूरा उनको व्यू मिलता हुआ। दैट्स वाई सी एच बी अब पूर्व भी निकाल देंगे रो एजन को नो, टीम रो पीछे है अभी तीन प्लेयर्स के साथ होल्ड करते नजर आएगी। गिनेट्स उनके ऊपर अभी भी आ रहे हैं या घुस रेडे मेजर हमाद को नोक करेंगे उन्हें, तो सर टीम एच फोर के वर्सेस मेजर होता हुआ फाइट सी एच बी 2.2 में मजे लेता नजर आएगी। लेकिन रो एजन का किल कन्फर्मेशन यहाँ पे लेते हुए सी एच बी पूर्व अभी घुस रेडर मेजर हमाद का किल कन्फर्मेशन लेते हुए मेजर ज्यादा कर लेंगे यहाँ पे किल टीम एच फोर के एलिमिनेट करती हुई टीम मेजर को। सी एच बी 2.0 वर्सेस एच फोर के भी नजर आ सकता है टीम रो के लिए। सी एच बी से फाइट 3v4 फाइट है ऑन द अदर साइड टीम वैनम वर्सेस बॉब होता हुआ और जिसके अंदर वैनम के फिजान नोक हुए हैं अभी के लिए। तीन प्लेयर्स बाकी हैं, एक ही जगह पर ऑलमोस्ट पूरी टीम लेटी हुई है वैनम की, स्मोक्स के सहारे अभी के लिए वैनम वस्ती हुई नजर आएगी। स्मोक की पूरी झाड़ी लगा रखी है टीम वैनम ने यहाँ पर और ऊपर की बात करो तो बॉब डीएसआर के राइट साइड लेफ्ट साइड में पूरी बॉब की तीन प्लेयर्स और एक गिनेट बॉब डीएसआर के का ओपी गिनेट जो लेकर जाएगा दो प्लेयर्स को। एक और गिनेट बॉब डी एस आर की का वैनम सात गेट नॉकडाउन, वैनम हंटर इज द लास्ट मैन सर्वाइवल, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था एक जगह होल्ड करना भारी पड़ गया टीम वैनम को। वैनम हंटर जो अकेले ही पीछे थे दैन टीम वैनम के तीन प्लेयर्स के किल टीम बॉब को इजिली वे में जाते हुए। लेकिन ऑन द दसर रेडिकल टायर की DB28 बोलती हुई और वो DB28 यहाँ से बॉब की कजाम अपने के लिए ऐसी। जी जी हाँ बिल्कुल, जोन में कोई भी टीम नहीं है अभी के लिए, जोन बन चुका है। रेडिकल टायर के प्लेयर्स ने यहाँ पे किल उठा लिया है आई थिंक सो टीम सी एच बी 2.0 का, या सी एच बी 2.0 के नेक्टिस का किल उठाया रेडिकल टायर के प्लेयर्स ने। फिलहाल एच फोर की निकालना चाहती है जोन के अंदर क्योंकि जोन में है नहीं वो रेडिकल टायर भी है जब तो जोन है उनके, और सी एच बी 2.0 लेफ्ट हैंड साइड में बैठी हुई है। मिनी 14 से लगातार प्रहार कर रही है, 1:20 जोन में जाने के लिए टीम्स को। 8 टीम्स 33 प्लेयर्स स्टिल अलाइव एंड टीम्स रो वर्सेस सीएचबी जल्दी निपटने को है ये फाइट क्योंकि जोन जाना है। 1:12 आपके पास है इस फाइट को पूरा करने के लिए और एक ही कंटेनर्स के पीछे नजर आ रही है टीम रो के तीन प्लेयर्स और टीम सीएचबी के चार प्लेयर्स, बस कंटेनर्स का फासला है। बाकी रो के प्लेयर्स तो यहाँ होल्ड करे बैठेंगे, रो के बोन एंड रो की स्मोक करते हुए रो के प्लेयर्स एंड यहाँ स्मोक करके होल्ड करेंगे। एच फोर की स्मोकी का नॉकडाउन में यूटोफोन मिनी 14 नॉक करके जाएगी एच फोर की स्मोकी को। रोल अप की ओर से गिनेट आता हुआ, थोड़ा गिनेट जाता हुआ आगे की और टीम सी एच बी अभी के लिए होल्ड करके बैठी रहेगी। रोकी एंड बॉन्ड एक पूरा अंदर बैठे हुए हैं, ड्रैकुला घुस राइडर को नोक कर देंगे, नहीं रेड टीम एच फोर के लिए मुश्किल बढ़ेंगी। दो प्लेयर्स बैक टू बैक नोक हो चुके हैं, मशीन गन या रोल अप की चलती हुई और थोड़ा यहाँ पूरा क्लोजिंग होता हुआ। रोबोन बाहर निकल के आते हुए मशीन गन के साथ, रोबोन को एक गोली भी चलाने का मौका नहीं दिया सी एच बी की चिमटू ओपी ने, नोक करा वेजी टू ओपी ने फिनिश ऑफ करा। रोकी एंड लव टू प्लेयर्स बचते हैं, सी एच बी क्लोजिंग करते नजर आ रही है, मशीन गन लव की चलेगी राइट एंड साइड में, पूर्व ओपी को नोक करके लेके जाएगी वेजी टू ओपी। आ रहे हो क्लोज लव आते हुए यहाँ पे जिकल के साथ, पूर्व ओपी को भी करेंगे नोक, लव काफी लो है तथा अभी चुन के क्लोज आते हुए बट वहाँ नोक हो जाएंगे यानी कि अपूर्व रोकी इज लास्ट में सर्वाइवल, एक एम के साथ एक नोक निकाल देगा बट चिमटू ओपी इज लास्ट में सर्वाइवल ऑफ टीम सी एच बी वहाँ बचा के लेके जाएगा अपने प्लेयर्स को। बट रिवाइवल यहाँ से पॉसिबल आई थिंक से नहीं है, इस जोन में रिवाइव देना खुद का भी मर्द खुद की हेल्पफुल है, दैट्स व्हाई एक रिवाइव शायद से हो जाएगा बट दूसरा मुश्किल होगा। और सैटी मैच हुए की बात करो तो दोनों ऑक्स हुए थे वो दोनों रिवाइव हो चुके हैं स्पोर्ट के प्लेयर्स, थ्री किल्स हैं इनके बाद। टीम सी एच बी की बात करो तो यहाँ से तथिया बिच्छू को भी रिवाइवल देने का कोशिश यहाँ चल रही है और शायद से वो भी रिवाइव हो जाए। जी हाँ यार रिवाइव हो जाएगी टीम सी एच बी के प्लेयर्स। वैनम के हंटर अकेला प्लेयर बचा हुआ है, इतनी डैमेज व्हीकल से वैनम हंटर कैरी कर रहा है, मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई टीम छोड़ेगी एक किल।
जी हाँ, काफ़ी डैमेज व्हीकल बोलूँगी मैं इसको वेनम हंटर के लिए। स्मोक करके शायद व्हीकल को तोड़ना चाहेगा वो। लेट्स सी यहाँ पे टेड अभी जो प्लेजोन से नोक होते हुए जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था शायद से वो बच नहीं पा रहे, दैट्स वाई यहाँ पे तथी अभी जो, लेकिन जस्ट स्टेज पे हुए हैं यानी कि व्हीकल में बैठ के आए थे, दैट्स वाई रिवाइव हो जाएंगे। फास्ट फॉर की बात करो तो 7 teams 98 players जोन अभी भी उनके साथ नहीं, यानी कि जो कि जोन बनता ही नहीं है। 79 players सी एच बी 2.0 अपना एक सही जोन लेके बैठी हुई है, 3 players सैन वाई टी फोनिक्स एंड एक्स जी के साथ। और वैनम के हंटर अकेले सर्वाइवल अपनी टीम के लिए, किल नहीं है वैनम के पास, पोजीशन निकालते हुए नजर आएंगे। लेकिन टीम बॉब के साइबर मुड़िया किले प्लेयर बचा हुआ है, बॉब की कब्जामा को नो कर चुका है लेवेट इंसेंटली डी पी 28 के साथ, बॉब डी एस आर के उसको कर देगा फिनिश ऑफ टीम बॉब के पास। लेकिन एलिमिनेशन सॉरी बॉब का एलिमिनेशन नहीं है, 16 17 players बचते हैं, टीम बॉब के 2 players बचे हैं डी एस आर के एंड मर्सी, तो जोन पकड़ना चाहते हैं स्मोक्स वॉल कर, दैट्स वाई यहाँ जोन तो पकड़ चुके हैं ऑलमोस्ट। और टीम सी एच बी 2.0 है, किल्स लेते हुए नजर आएगी, वो H4K की ओर भी मार रही है, H4K के प्लेयर्स स्मोक करके निकले हैं जोन के अंदर आने का ट्राई, शायद सर रियोगा जोन के अंदर आ चुके हैं, एक अच्छा डिप रियोगा ने पकड़ लिया है राइट इन साइड से, थोड़ा देखना होगा बाकी तो यार रियोगा की नेट के साथ लोग निकालने का ट्राई करते हुए, यानी कि पीछे से जो बाकी प्लेयर्स हैं टीम H4K के वो कितनी देर में जोन पकड़ेंगे वो एक बिट नहीं होगा। फैनमेंटर किल सी एच बी अपूर्व भी किल कन्फर्मेशन लेते हुए पीछे से टीम रेडिकल डायर के प्लेयर भी देते हुए जोन 10 seconds बाद चल जाएगा, तो रेडिकल डायर को भी जोन आना है, रियोगा होल्ड करेंगे अभी के लिए, H4K प्लेयर स्कोर पड़ेगी ऊपर से रेडिकल डायर के, ड्रैकुला नोक करेंगे उनको, स्मोकी भी पूरा स्प्रेड है ओम के साथ, स्मोकी का एक इंस्टेंटली कवर नोक निकाल के देखा जाएगा, ड्रैकुला यहाँ नोक हो चुके हैं, रिवाइव उनकी टीम उनको देना चाहेगी या नहीं, वो भी जोन आना चाह रहे हैं, रनिंग शॉट देखने को मिलेगा नहीं, यहाँ हीलिंग भी नहीं है स्मोकी की, ये थोड़ी गलती हो सकती है। सी एच बी 2.0 की ओर से नोक होते प्ले जोन से ही नोक होते नजर आएंगे स्मोकी, गूस राइडर यहाँ पे बचे हुए हैं अब, और रियोगा बचे हुए हैं, दो प्लेयर बचे हुए हैं, गूस राइडर पूरा ओपन से आ रहे हैं, दैट्स वाई इंस्टेंटली प्रोन होकर अपने आपको बचाने का ट्राई, बट दूसरी ओर से पड़ेगा वो भी नोक हो जाएंगे, रियोगा इज द लास्ट मैन सर्वाइवल, 5 teams बचती हैं, रियोगा क्लोज में जाएंगे, यू टू फोनिक्स को लेकर जाएंगे, इंस्टेंटली फिनिश ऑफ करने का ट्राई बट कर नहीं पाएंगे, गन रिलोड करेंगे अभी के लिए, देखते हैं प्ले जोन से जाएगी टीम रेडिकल टायर, रियोगा के लिए प्ले बचे उनके ऊपर स्लैमिन होता हुआ यार रियोगा के ऊपर, रियोगा एक प्लेयर नो करेगा 1v3 ओपी क्लच मारता हुआ यहाँ से सी एच बी 2.0 का, बहुत अच्छा क्लच टीम H4 के रियोगा का, यहाँ 1v3 निकाल दिया सी एच बी 2.0 को, पहला नोक किया उसके बाद 2 players क्लोजिंग किए थे रियोगा के ऊपर, उनको इंस्टेंटली फिनिश ऑफ कर दिया वो मर्सी, यार अपोनेंट में है टीम सी एच बी के 3 players जो जोन के अंदर नहीं है, और बॉब के प्लेयर्स की बात को सी एच बी अपूर्व विकेट नॉक डाउन में बॉब डी एस आर की डी पी 28 2 players को लेकर जाएगी टीम सी एच बी के, लास्ट प्लेयर बचा हुआ है तात्या बिच्छू और जोन के बाहर रिवाइव देने का ट्राई, यहाँ से अभी के लिए 3 teams 6 players हैं टीम H4 के, अगर रियोगा के पास पेशेंस पूरा रखे हुए हैं वो अपना बिल्कुल यहाँ से किल्स उठाना चाहेंगे, सी एच बी के प्लेयर जब जोन में आना चाहें तो शायद वहाँ H4 के रियोगा किल उठाते नजर आएंगे, अभी के लिए देखते हैं 3 teams 6 players बचे हुए हैं, व्हीकल फोड़ कर अपना कवर बना रहे हैं और जोन उनको भी जाना है, लेकिन ये भी टीवी सिचुएशन है थोड़े उनके लिए क्योंकि जोन पकड़ना है H4 के रियोगा को, 20 seconds है उनके पास, यहाँ 3 teams 6 players लेट्स सी हू गेट अ चिकन डिनर इन दिस मैच। रियोगा स्पोर्टेड हो चुके थे सी एच बी की ओर से, दैट्स वाई उनको पड़ेगी, थोड़ा पीछे ही आएंगे वो और यहाँ पीछे तो आ चुके हैं, अब कितनी देर तक सी एच बी, शायद से सी एच बी अब स्प्रे भी नहीं देगी रियोगा की ओर क्योंकि जोन उनको आना था, स्मोक्स कर चुके हैं, रियोगा होल्ड करेंगे अपूर्व भी गेट नॉक डाउन बाय बॉब डी एस आर के, रियोगा के पास एक अच्छा चांस जोन जाने का, फिलहाल वो जाना चाहते हैं राइट हैंड साइड से, यहाँ पे जोन चल चुका है लेकिन रियोगा स्पोर्ट कर रहे हैं सामने सी एच बी के प्लेयर्स को, किल उठाने का ट्राई है अपूर्व भी का, किल शायद से उठा सकते हैं रियोगा बिल्कुल यहाँ से उठाएंगे और 30 meters दूर जोन में कैरी करना है रियोगा को, लेट्स सी यहाँ पे फ्लैंक करके जा तो रहे हैं, एम4 लेके चल भी रहे हैं अपना जिम टोपी को स्पॉट कर चुके हैं, कंटिन्यू इस पर दे रहे हैं, लेट्स सी यहाँ जोन पकड़ पाते हैं कि नहीं वो देखना होगा, आई थिंक सो बॉब के प्लेयर्स निकाल सकते हैं लेकिन सी एच बी को एलिमिनेशन दिलाएंगे यहाँ से रियोगा और लास्ट प्लेयर टीम बॉब का बचता है, यहाँ एक ही प्लेयर बचा हुआ है मर्सी का किल लास्ट, सी एच बी जिम टोपी का मिला है, यहाँ 1v1 फाइट में अभी के लिए तो रियोगा एक पेड़ के पीछे प्लेयर्स है मर्सी, कल बॉब डी एस आर के नोक पड़ा हुआ है उसका किल कन्फर्मेशन यार रियोगा लेता हुआ 1v1 फाइट, लेट्स सी यू गेट अ चिकन डिनर, टीम H4K के पास है 8 kills, पोजीशन पूरी रिवील है वो मर्सी की, डी पी 28 लेके मर्सी बैठा हुआ है, रियोगा के पास भी अभी चांस है 8th zone यानी कि इसके बाद हमारा डेथ जोन नजर आएगा, रियोगा इज द लास्ट मैन सर्वाइवल, 1v1 फाइट, एक मोलोडोल आएगा रियोगा की ओर, क्या ये एक अच्छा मोलोडोल होगा वो मर्सी की ओर से, बट थोड़ा आगे आया ये मोलोडोल है तो यहाँ पर होल्ड करते नजर आएंगे अभी के लिए वो मर्सी, एक और यहाँ पर मोलोडोल शायद से जी नहीं ग्रेनेड ही करते हुए वो ये ग्रेनेड थोड़ा बहुत डैमेज दे सकता था बट नहीं दिया, एक और ग्रेनेड आता हुआ रियोगा के जस्ट उनके लेफ्ट, बट ये भी कुछ ज्यादा बिटी नहीं देगा, वो मर्सी वर्सेज रियोगा, लेट्स सी
स्वर्गी वर्सेस बॉब, 1v1 फाइट, मर्सी पूरा ओपन में आते हुए, यानी कि पूरा यहाँ पर एक ग्रेनेड जाता हुआ अरियोगा की ओर से, आई डोंट नो यहाँ पर देखा है कि नहीं, एक रिच के जा रहे हैं यहाँ पे, स्मोक किया है अरियोगा ने, जोन आ चुके हैं वो मर्सी, पूरा ओपन में स्पॉटेड है, यहाँ किल लेते नजर आ सकते हैं स्वर्गी अरियोगा, ओपी इन द चैट गाइस, अकेला प्लेयर अपनी टीम को चिकन दिलाता हुआ विद अ 9 किल्स, टीम एच फोर के गाइड चिकन डिनर, टी टू स्क्रीन फिफ्थ मैच में चिकन निकाल दो टीम एच फोर के, रियोगा के ऊपर 6 किल्स हैं उनके, 9 किल्स ओपी गेम प्ले वाली एच फोर के, सेकंड पोजीशन में डिम्बो आती हुई विद 13 किल्स, टीम सी एच बी आती हुई फिर थर्ड पोजीशन में विद 5 किल्स, फोर्थ पाती हुई सी एच बी 2 पॉइंट विद 4 किल्स, रेडिकल डायर आती हुई 2 किल्स के साथ फिफ्थ पोजीशन, एंड वैनम साइबर एंड ऑल।